समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की बस जुबानी रुकने का नाम नहीं ले रहे। यही है आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी मंच से आजम खान ने फिर भड़काऊ भाषण दिया था। आपको बता दें अखिलेश यादव के कार्यक्रम था, तभी जो है आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया, अधिकारियों को जो है गलत बोला, गलत टिप्पणी की। यही नहीं, मंडल आयुक्त को भांड तक कह दिया। इस मामले में रामपुर के शहर कोतवाली पुलिस ने आजम खान के खिलाफ फिर FIR दर्ज करी है। आपको बता दें 2 दिन पहले थानागंज पुलिस ने FIR दर्ज की थी और अब शहर कोतवाली ने भी जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए आजम खान के खिलाफ धारा 153A, 505, 125 की IPC में जो है FIR दर्ज कर ली है। और आपको बता दें आजम खान की जो जुबान है फिर भी नहीं रुक रही है, तो यही वजह है रामपुर पुलिस लगातार आजम खान की जुबान को बंद करने के लिए FIR पे FIR दर्ज कर रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि आजम खान इतने बड़ बोला क्यों हो गए, क्योंकि आजम खान की जो जुबान है उस पर क्यों लगाम नहीं रख रही है। यही कल बीते दिन जो है जो योगी आदित्यनाथ हैं सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आजम खान की जो है भड़काऊ भाषण को लेकर टिप्पणी की थी। तो कुल मिला के अब आजम खान की जो मुश्किलें हैं बढ़ती ही जा रही हैं। 88 मुकदमे पहले दर्ज थे और अब 2 मुकदमे इसमें और एड हो गए, तो आजम खान का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आजम खान हमेशा सुर्खियां रहना चाहते हैं क्योंकि चुनाव के टाइम पे ही उन पर FIR दर्ज होती है। ये वजह सबसे बड़ी है कि उनकी बस जुबानी जो उनके बड़े बोल हैं उसी को लेकर जो है रामपुर पुलिस एक्शन में आ गई है। और जो मंडल आयुक्त हैं उनको गलत बोलना, चुनाव आयोग को गलत बोलना, इंस्पेक्टर कोतवाली को गलत बोलना, थानागंज को जो है गलत बोलना, तो ये कई सारी चीजें हैं जो आजम खान के अगेंस्ट जा रही है। इसी मामले में रामपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर आजम खान के खिलाफ फिर कड़ा एक्शन लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। अरे SP साहब जिंदाबाद, CO साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लवदफ हो गए, लवदफ हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो का भैया हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो वाह, हमर मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत, और तुम पतली गलियों से घूम जाइए। मुकदमा लिखा गया है इसकी विवेचना हो किसके खिलाफ? आजम खान साहब के साथ।